नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने परेड मैदान में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मंत्री बंशीधर भगत, सांसद रानी राजलक्ष्मी शाह और डीएम देहरादून मौजूद रहे। ये बसें रायपुर सेलाकुई मार्ग पर चलेंगी। सीएम ने परेड मैदान में बने स्मार्ट टॉयलेट का भी उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्मार्ट सिटी योजना में अब तेजी से काम हो रहा है। सीएम ने इलेक्ट्रिक बस में बैठकर सचिवालय तक का सफर भी किया। तो सेलाकुई रायपुर रूट पर ये स्मार्ट बसें चलाई जाएंगी। सीएम ने 5 इलेक्ट्रिक एसी बसों को हरी झंडी दिखाई है। परेड मैदान में बने स्मार्ट टॉयलेट का भी शुभारंभ किया गया। आम जन को उसको सुविधा मिलेगी और मैं कह सकता हूं कि जो लेबर तबका है, कर्मचारी है, क्योंकि सेलाकुई सहजपुर एक जिस तरह फैक्ट्री एरिया है और रायपुर से होकर के और कम दाम में और कम समय में ये बहुत बड़ी अपने आप में ऐतिहासिक है और ऐसी सौगात आज मिली है और देहरादून वासियों को और सभी जनमानस को इसका लाभ मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक बस जो है, एक बार बैटरी चार्ज होने के बाद 180 किलोमीटर तक दौड़ना जाना। एक रूट हमारा पहले से ऑपरेटेड है ISBT से राजपुर। आज दूसरा रूट हम शुरू कर रहे हैं जो सेलाकुई से लेकर के रायपुर का होगा और इस रूट पर चूंकि हमारा वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा रहता है रायपुर में, जो लेबर हैं हमारे और उन काम करने के लिए जो फैक्ट्रीज़ हैं वो हैं जो है सेलाकुई में, तो उनके आने जाने के लिए बहुत बड़ी सुविधा आज जो है राज्य सरकार की तरफ से और स्मार्ट सिटी के माध्यम से दी जा रही है लोगों को, देहरादून के लोगों को। और ये 5 बसें इस रूट पर चलेंगी और अब स्लोली स्लोली ये बेड़ा और बढ़ाया जाएगा और जो हमारी 3 और रूट्स हैं उन तीनों रूट को भी शुरू किया जाएगा। एक रूट तो देहरादून में सफ़र करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि 5 इलेक्ट्रिक बसों का यहाँ पर हरी झंडी सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिखाई है। क्योंकि हम देख रहे थे लगातार क्योंकि जो रूट है सेलाकुई से रायपुर का, वहाँ उस रूट पर जो यात्री सफ़र करते हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। सेलाकुई से रायपुर रूट पर स्मार्ट एसी बसें चलेंगी और जिन्हें रोज अप डाउन करना होता है उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। सीएम ने 5 इलेक्ट्रिक बसों को, एसी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है और आज राजधानी में सफर करने वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है। तो सीएम ने 5 इलेक्ट्रिक एसी बसों को हरी झंडी दिखाई है। परेड मैदान में बने स्मार्ट टॉयलेट का भी यहां पर शुभारंभ किया है सीएम तीरथ सिंह रावत ने। तो लगातार यहां विकास के कार्य सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से किए जा रहे हैं। जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके उसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से पहल की जा रही है। सुदीप जैन हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, सीएम तीरथ सिंह रावत ने आज 5 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जो लोग सेलाकुई और रायपुर रूट से रोज अप डाउन करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री ने आज जो स्मार्ट सिटी परियोजना चल रही है, इसी स्मार्ट सिटी परियोजना का पार्ट है इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, तो मुख्यमंत्री ने 5 बसों को रवाना किया है। ये सेलाकुई रायपुर रूट पे चलेंगी। सेलाकुई एक औद्योगिक इलाका है जहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग औद्योगिक इलाके की फैक्ट्रीज में जाते हैं और आते हैं। इस पूरे रूट के लोग बस पर चढ़ सकेंगे और 10 रुपए न्यूनतम किराया होगा। मुख्यमंत्री खुद भी बस में बैठे डीएम के साथ और सचिवालय तक आए हैं परेड मैदान से। हालांकि बहुत दूर नहीं था पर सांकेतिक रूप से उन्होंने किया है मुख्यमंत्री की इलेक्ट्रिक बस का सफर सुरक्षित है और पर्यावरण प्रदूषण के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। तो आज से इन बसों का संचालन शुरू हो गया है। अभी तक ट्रायल के तौर पर एक बस चल रही थी पर आज 5 नई बसें जुड़ने से इनकी संख्या 6 हो गई। चलिए सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने थानो रोड पर निर्मित बड़ासी पुल की अप्रोच रोड के क्षतिग्रस्त होने का तत्काल संज्ञान लिया है और इसके कारणों की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है
कि पहले भी इस पुल की अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई थी। अप्रोच रोड के बार बार क्षतिग्रस्त होने पर मुख्यमंत्री ने असंतोष व्यक्त करते हुए इसकी तत्काल उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं के प्रमुखों के साथ विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार निर्माण कार्यों के क्षतिग्रस्त होने से शासकीय धन की बर्बादी के साथ ही जनता को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो बड़ासी पुल और अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने से सीएम तीरथ सिंह रावत ने यहां पर और वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में पौड़ी की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभावार घोषणाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि विभागीय अधिकारी समीक्षा बैठक में योजनाओं की पूरी जानकारी के साथ शामिल हों। जन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए योजनाओं का धरातल पर दिखाई देना नितांत जरूरी है और योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति विशेष ध्यान दिया जाए। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी जिले की समीक्षा की, पौड़ी में की गई घोषणाओं की समीक्षा की गई। और वहीं देहरादून में वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड बना है, जिसमें 851 केंद्रों पर 1.25 लाख लोगों को टीका लगवाया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति ने यह जानकारी दी है। तो वहीं 18 से 44 साल के 1 लाख लोग टीकाकरण में शामिल बताए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 18 से 44 साल के लगभग 7.9 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि इस आयु वर्ग में 30,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। तो वैक्सीनेशन को लेकर एक नया रिकॉर्ड उत्तराखंड में बना, जहां पर 851 केंद्रों में 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। एक दिन में बना है वैक्सीनेशन का यह नया रिकॉर्ड। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि हम लोग चाहे वो आरटीपीसीआर टेस्ट हो चाहे वैक्सीनेशन हो, जब पर्याप्त मात्रा में होगी तब मोबाइल वैन के माध्यम से भी इसमें, और खासकर जो व्यक्ति विकलांग हैं, जो वृद्ध हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनको तो निश्चित रूप से उनके दरवाजे में जाकर ही वैक्सीनेट करना। और वहीं गुड़गांव से नैनीताल घूमने पहुंचे पूर्व आईएएस अधिकारी अचानक कमरे में बेहोश हो गए। आनंद फानन में उनको बीडी पांडे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुड़गांव निवासी पूर्व आईएएस अधिकारी केपी लाल अपने परिवार सहित 16 जून को नैनीताल घूमने आए थे और नगर के पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। वो सोमवार सुबह वापस गुड़गांव जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक वो बेहोश हो गए। आनंद फानन में उन्हें जिला अस्पताल बीडी पांडे अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और वहीं डॉक्टर सितांशु शर्मा ने बताया कि उनको ब्रॉडेट की स्थिति में अस्पताल लाया गया था और अस्पताल पहुंचने तक उनकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बीडी पांडे की इमरजेंसी में केपी लाल जी को लेकर आया गया था, तो वो ब्रॉड डेड यहाँ पर आए। उनको लाने से पहले उनकी डेथ हो गई थी और उनकी जो हिस्ट्री दी गई तो उसमें वो जो है कार्डियक पेशेंट भी हैं और अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट भी हैं वो, उनकी इंसुलिन इंजेक्शन वगैरह चल रहे थे। तो मोस्टली इन केसेज में जो है सडन कार्डियक डेथ होती हैं, तो अभी डेथ किस वजह से हुई ये तो पोस्टमार्टम में ही क्लियर होगा, बट जब वो यहाँ पर लाए गए थे तो वो ब्रॉड डेड थे और उसके बाद हमने उनको यहाँ पे डेड डिक्लेयर किया। आगे जो है कार्यवाही के लिए हम उनको मोर्ची शिफ्ट करा है हमने उनको यहाँ से, पुलिस जो है पुलिस को इन्फॉर्म पीआई भेज दी गई है, पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। तो उनका पोस्टमार्टम जो है
आज जो है हो जाएगा, उसके बाद फिर उनकी बॉडी को उनकी फैमिली को हैंडओवर कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस को लेकर कुंभ 2021 में हुए फर्जी कोविड टेस्ट घोटाले की जांच जारी है, जहां एक और घोटाले की जांच हरिद्वार पुलिस की एसआईटी टीम कर रही है, जो तीन दिनों में कई संबंधित अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। वह प्रशासन स्तर पर भी जांच की जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी गई है, जिसमें कार्यवाही करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा टेस्ट करने वाली संस्थाओं को आगामी 24 जून तक कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है। तो प्रशासन स्तर पर इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कर्मकार बोर्ड में मचे घमासान पर बड़ी खबर, शमशेर सिंह सत्याल को हटा सकती है सरकार। कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष पद से सत्याल की छुट्टी तय, सूत्रों के हवाले से फिलहाल यह खबर आ रही है। कर्मकार बोर्ड में कोई आईएएस की ही हो सकती है तैनाती, सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार चाहती है इस पूरे मामले को लेकर विवाद खत्म हो। तो लेकिन सत्याल की बयानबाजी से नाराज है सरकार। कर्मकार बोर्ड में मचे घमासान पर यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कर्मकार बोर्ड में किसी आईएएस की ही तैनाती की जा सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार चाहती है इस पूरे मामले को लेकर विवाद खत्म हो, लेकिन दायित्वधारी को भेजने से भी परहेज है। सुदीप जैन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुदीप, इस पूरे मामले को लेकर विवाद खत्म करना चाहती है सरकार, क्या शमशेर सिंह सत्याल को सरकार हटा सकती है, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है? बिल्कुल, देखिए ये लगभग तय हो चुका है, क्योंकि शमशेर सत्याल त्रिवेंद्र रावत के बेहद करीबी रहे हैं और त्रिवेंद्र रावत राज में ही हरक सिंह रावत का जो बोर्ड था, हरक सिंह रावत को हटा के शमशेर सत्याल को जिम्मेदारी दी गई थी। बीते एक सप्ताह से हरक सिंह रावत बेहद नाराज हैं कि सरकार ने अगर आदि दायित्वधारी हटाए तो सत्याल को क्यों नहीं हटाया, और इसीलिए शायद ये कारण था कि वो कार्य समिति भाजपा में नहीं पहुंचे, कल वो पौड़ी जनपद की समीक्षा में नहीं आए। वो मूवमेंट भी बहुत कम कर रहे हैं और सरकार भी रिस्क को जानती है कि, और दायित्वधारी जो शमशेर सत्याल है उनके द्वारा कुछ इस प्रकार से बयानबाजी की गई जिससे भी सरकार चिंतित है। सूत्र बताते हैं कि सत्याल से चार्ज लिया जा सकता है, कर्मकार बोर्ड से उठाए जा सकते हैं और किसी आईएएस अफसर को कर्मकार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि बोर्ड की स्थिति बहुत खराब है। सचिव अध्यक्ष में विवाद है, अध्यक्ष मंत्री में विवाद है, आज दिन बोर्ड पे प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार के लिए चुनावी वर्ष है और पार्टी के भीतर ये लड़ाई मची हुई है, संगठन भी इसमें इन्वॉल्व है, तो सरकार इन सब विवादों से मुक्ति चाहती, लिया जाए निर्णय किसी भी वक्त हो सकता है, ऐसा सूत्रों ने संकेत दिया। चलिए सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं पौड़ी में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश को देखते हुए अब एसएसपी पी रेणुका देवी ने जिले की जल पुलिस और तीन अलग अलग क्षेत्रों में तैनात एसडीआरएफ टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मूसलाधार बारिश के कारण जिले के नदी और नाले उफान पर आ गए थे, जिसके बाद हालात बेकाबू होता हुआ देख एसएसपी ने किसी भी आपदा के घटित होने पर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के निर्देश एसडीआरएफ टीम और जल पुलिस को दिए हैं। साथ ही पल पल के हालातों पर नजर बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था। वहीं जिले में कई जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाओं से सड़कें भी बाधित हुई हैं। तो एसएसपी पी की टीम है, इसको जो है अलर्ट किया गया है, यहाँ से लेकर ऊपर जोशीमठ तक और नीचे हरिद्वार तक अलर्ट है। ये मौसम विभाग के द्वारा पहले जो है अलर्ट जारी कर दिया गया और ये इतनी आपदा तो नहीं है, लेकिन हाँ बारिश सुबह से लगातार जारी है। इसके लिए हमने जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनको भी हमने सचेत कर दिया है और थाना पुलिस भी साथ में है, राजस्व पुलिस को भी अलर्ट हो रखा, सभी लोग विभाग जो है राजस्व से संबंधित। हमारा पुलिस स्टेशन 13 पुलिस स्टेशन है, चौकी है,
सभी उसमें हमारा मैन पावर ट्रेंड है। हमने अभी निर्देशित कर दिया था अभी जून 15 तक कितना भी इक्विपमेंट्स हैं थाने में चौकी में उसको रखरखाव को चेक किया जाए एंड सभी को एक बार ट्रेनिंग दिया जाए। सो वो सब अभी कंप्लीट हो गया है एंड हमारे SDRF का टीम्स भी हमारा जनपद में 3 जगह पर हैं, वो भी अपना इक्विपमेंट के साथ तैयारी में है। और यहाँ पर जल पुलिस है श्रीनगर में और फ्लड कंपनी भी हमारा मौजूद है। वहाँ पर कोई भी नदी में कोई भी दिक्कत हो, कोई गिर गया और कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन नदी में होना है उसके लिए भी हम तैयारी में हैं। हमारा पुलिस स्टेशन 13 पुलिस स्टेशन है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।